ये एक ऐसी मज़ेदार लोकेशन जो कि बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, बिकॉज ऑफ द जेंट्री दैट इज कमिंग ओवर हेयर. राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन कसौली, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा 6 BHK ट्रिप्लेक्स विला. इतना आलीशान बना हुआ विला और उतना ही आलीशान इससे मिलता है आपको. लुक एट इट. अभी हम खड़े हैं इस प्रॉपर्टी के थर्ड फ्लोर पे, इस ट्रिप्लेक्स विला के थर्ड फ्लोर में जिसके बेसमेंट भी है. एंड यहाँ पे इसके हम एक बेडरूम की बैल्कनी में खड़े हैं. बैल्कनी से आपने अभी व्यू देखा. इस विला की खास बात यह है कि इसके अंदर 6 बेडरूम है. आपको सभी बेडरूम के साथ बैल्कनी मिलती है एक्सेप्ट 1 बेडरूम, यानी कि आपको 6 में से 5 बेडरूम के साथ बैल्कनी मिलती है, लिविंग स्पेस से बैल्कनी मिलती है. ये इस प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा बेडरूम है जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मेट्रेस लगाया गया है, सोफा काउच सेटिंग है, यहाँ पे एक डबल बेड यहाँ आ जाता है. ऊपर की तरफ इसमें हीट प्रूफिंग वर्क किया गया है पूरी प्रॉपर्टी के अंदर, जो कि यहीं के स्टाइल में पहाड़ी स्टाइल में पूरा हीट प्रूफिंग वर्क किया गया है. पीछे की तरफ विंडो ओपनिंग आ जाती है, आगे की तरफ विंडो ओपनिंग आ जाती है. तो नेचुरल लाइट, इतना ज़्यादा नेचुरल लाइट यहाँ पर आ जाता है कि आप देख सकते हैं लाइट्स की ज़रूरत है ही नहीं. साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है इसके अटैच वॉशरूम. यहाँ पे आपकी वॉकिंग क्लोजेट आ जाती है, यहाँ पे अटैच वॉशरूम आ जाता है. वॉशरूम के साइजेस आप देख सकते हैं. ब्रांडेड फिटिंग लगाई गई है, जितना भी सैनिटरी फिटिंग है वो सब टोटो ब्रांड की है. फिक्स्चर सारे जैगवार के लगाए गए हैं. यहाँ पे हमारा लॉन्ज एरिया आ जाता है. एक सोफ़ा काउच यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे पूरा सोफ़ा काउच अरेंज आप देख सकते हैं. जो दिखता है आपको वो मिलता है. तो व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट. यहाँ पे हमारा आ जाता है बेडरूम नंबर 2. ये हमारा बेडरूम नंबर 2 है, आप इसका भी साइज देख सकते हैं. विंडो ओपनिंग यहाँ पे भी आ गई. अगेन यहाँ पे आपका बैल्कनी एक्सेस मिल जाता है. आप इसकी बैल्कनी से आपको डिफरेंट व्यू मिलता है. आप देख सकते हैं वो आप देख रहे हैं वहां पे. ये सारा नीचे जितना भी हिस्सा है सब इसकी प्रॉपर्टी का एरिया है. वहां से एक स्ट्राइप जाती है, वो पूरा इस प्रॉपर्टी का हिस्सा है. ये प्रॉपर्टी लगभग 15 बीसवें की एरिया में बनी हुई है, यानी कि लगभग 700-750 गज के बीच में बनी हुई प्रॉपर्टी है. और जो एक कंस्ट्रक्टेड एरिया है जिसमें विला बना हुआ है, ये लगभग 400 का एरिया है. अब मैं आपको दिखाता हूँ इस बेडरूम के साथ का अटैच वॉशरूम. आप इसका साइज देख सकते हैं, इसकी इंटीरियर्स देख सकते हैं. क्वालिटी टॉप नॉच वर्क किया गया है एंड मटेरियल के इंटीरियर्स, इनके कलर्स बहुत ही अमेजिंग है, आई प्लीजिंग है. यहाँ पे हमारी वॉकिंग क्लोजेट आ जाती है. नीचे आप टाइलिंग देख सकते हैं, सारी वुडन टाइलिंग की गई है. जो ये वुड है यहीं के नेचुरल वुड है. अब हम चलते हैं इसके नीचे वाले फ्लोर पे. और ये अंदर का इंटरनल स्टेयरकेस है जो कि ट्रिप्लेक्स विला का इंटरनल स्टेयरकेस है. पूरा वुड से बना हुआ स्टेयरकेस है. अगेन जब हम आते हैं सेकेंड फ्लोर पे तो बीच में लॉन्ज एरिया आ जाता है. एंड इधर की तरफ एक LED पैनल दिया गया है. ये आ जाता है इस प्रॉपर्टी का मास्टर बेडरूम. ये आ गया आपका बेड, पीछे विंडो ओपनिंग आ गई है. यहाँ पे आपको बढ़िया सी सोफा काउच सेटिंग मिलती है. दिस साइड हमारे को मिल जाता है वॉकिंग क्लोजेट और हमारा साथ का वॉशरूम. ये हमारा अटैच वॉशरूम है. एक लुकिंग मिरर इधर भी इंस्टॉल्ड है. और अब हम चलते हैं, देखते हैं मास्टर बेडरूम के साथ की बैल्कनी. बिकॉज अगर मास्टर बेडरूम की बात कर रहे हैं तो इसके साथ की बैल्कनी में भी कुछ खास बात होनी चाहिए. सो दिस इज द बैल्कनी विच वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग अलॉन्ग विद दिस मास्टर बेडरूम. ये आप व्यू देख सकते हैं, सामने पूरा वैली का व्यू दिखता है आपको. एंड इतनी बड़ी साइज की आपको बैल्कनी मिलती है. यहाँ पे आपको सिट आउट एरिया मिलता है. एंड मज़ेदार ये प्रॉपर्टी है. इसकी लोकेशन की खास बात करें तो जैसा मैंने आपको कहा था कि ये जो लोकेशन है ना, ये फ्लरिशिंग लोकेशन है. आप कसौली चौक पे जब एंटर करते हो कसौली पे, तो आपको ट्रैफिक मिलता है यूजुअली जब आप वीकेंड्स में आते हैं या फिर हॉलीडेज के दिन पे आते हैं. बट एक नई रोड बन रही है जो कि नेशनल हाईवे से कनेक्ट होती है, जिसको हम कहते हैं चक्की रोड. चक्की मोड़ से ये एरिया लगभग ज़्यादा नहीं तो 5 किलोमीटर दूर है, और चक्की मोड़ से घड़कल जो है वो अनदर 5 किलोमीटर्स दूर है. घरकड़ मोड़ से 3 किलोमीटर दूर पे आपका कसौली मॉल रोड आ जाता है. और अगर आप कसौली रोड से एंटर करते हैं मॉल रोड के लिए, तो अगेन 12-15 किलोमीटर लगते हैं. तो आप अपने इस विला पे अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं. अब हम आ गए सेकेंड फ्लोर के बेडरूम के अंदर. अभी हमने देखा था मास्टर बेडरूम, यह आ गया उसका दूसरा बेडरूम.
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बेड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे विंडो ओपन देख सकते हैं, बैल्कनी मिल जाती है जैसा आपने थर्ड फ्लोर पे देखी थी, सेम साइज की बैल्कनी है, वैसा सा ही व्यू मिलता है। यहाँ पे आपका क्लोजेट आ जाता है, वॉक इन यहाँ पे अटैच वॉशरूम आ जाता है, सेम साइजेस हैं, सेम स्ट्रक्चर है, बट प्रॉपर्टी बहुत मजेदार है। अभी हमारा आ जाता है यहाँ पे लॉबी एरिया, नीचे चलते हैं फर्स्ट फ्लोर देखते हैं इस प्रॉपर्टी का। दिस इज द ग्राउंड फ्लोर ऑफ दिस विला। ये आपका पूरा डाइनिंग एरिया आ जाता है जहाँ पे लगभग 10 से 15 लोग बैठ के आराम से अपना डिनर कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाती है सोफा कव सेटिंग, तो यू कैन ऑल्सो कॉल इट योर लिविंग स्पेस। यहाँ पे आपको मिल जाती है शानदार किचन, किचन का साइज आप देख सकते हैं, पूरे विला की एक इकलौते किचन है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो एल शेप का आपको काउंटर मिल जाता है, गैस स्टोव इंस्टॉल्ड है, ओवन यहाँ पे रखा हुआ है, पूरी किचन रेडी है, मॉड्यूलर वर्क किया गया है, विंडो वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो की ओपनिंग दोनों तरफ से दी गई है, चिमनी इंस्टॉल्ड है, तो जो जो आपको दिखता है वो सब मिलता है। एक काउंटर यहाँ पे भी लगा के दिया गया है, तो आप इसको ब्रेकफास्ट काउंटर भी कह सकते हैं। एक स्टोरेज के लिए कैबिनेट यहाँ पे भी लगाया गया है, विंडो ओपनिंग पीछे से भी मिल जाती है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर आपको तीनों तरफ से विंडो ओपनिंग मिल जाती है। दिस इज द बेडरूम नंबर वन, इस फ्लोर का पहला बेडरूम है पीछे वाला, जिसमें हम कह रहे थे आपको बैल्कनी नहीं मिलेगी। पीछे की तरफ से दोनों तरफ से विंडो आ जाती है, तो नेचुरल लाउड अलाउंस अच्छा है यहाँ पे भी। एंड यहाँ पे आपका आ जाता है पहला वॉशरूम, इसके साथ का अटैच्ड वॉशरूम, अगेन वुडन फ्लोरिंग आ जाती है, इधर भी वुडन फ्लोरिंग आ जाती है। ये पेंटिंग्स आप देख सकते हैं कितनी प्यारी एंशिएंट टाइम की पेंटिंग लगाई गई है, कुछ रस्टिक फीलिंग वाली पेंटिंग लगाई गई है, कुछ बढ़िया मतलब डेकोरेट किया गया पूरे प्रॉपर्टी को। एंड यहाँ पे आ जाता है हमारा इस प्रॉपर्टी का सिक्स बेडरूम, यानी कि इस फ्लोर का दूसरा बेडरूम, बेड सोफा काउच सिटिंग एंड विंडो ओपनिंग, जिससे आपको पूरी वैली का व्यू मिलता है, एंड एक मिलती है मज़ेदार बैल्कनी। ये बैल्कनी आपको लिविंग रूम से भी एक्सेसिबल है, एंड ये बैल्कनी आपको इस बेडरूम से भी एक्सेसिबल है। जहाँ तक आप देख पा रहे हैं लिंटल है, ये प्रॉपर्टी की विद इन द लिमिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के अंदर ना कुछ और खास बातें मैं आपको ले जाके दिखाऊंगा। इसके अंदर आपको बेसमेंट भी मिलती है, इस ट्रिप्लेक्स विला के साथ आपको बेसमेंट मिलती है, जिसमें कुछ गाड़ियों की पार्किंग है, प्लस यहाँ पे आपको सर्वेंट रूम भी नीचे दिया गया है, एंड नीचे आपको मिल जाता है साथ साथ इसके अंदर पीटी टेबल। फिर वी हैव टीटी टेबल पूरी बेसमेंट के अंदर, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे सिस्टम अरेंज किया गया है। यहाँ पे गेट दिया गया है जो कि प्रॉपर्टी एरिया के लिए, जो मैंने आपको दिखाया था एक लिंटर एरिया है वहाँ तक जाने के लिए। यह आपका आ जाता है सर्वेंट रूम, इधर की तरफ सर्वेंट रूम आ गया है, एंड यहाँ पे टीटी टेबल आ गया है। इस बेसमेंट के साथ का कुछ एरिया इधर की तरफ भी है जहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं अभी। और आपको मिल जाती है एक ग्रैंड कार पार्किंग स्पेस, जो कि आपके विला का प्राइवेट कार पार्किंग स्पेस है। आप यहाँ पे 10 से 12 गाड़ियों को आसानी से पार्क कर सकते हैं, बिकॉज ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दिस कम्प्लीटली बिलोंग्स टू दिस विला। तो ये इसी विला का स्पेस है, 10 से 12 गाड़ियाँ आराम से पार्क कर सकते हैं। ये वो स्ट्रिप है जो कि पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी है, इसको आप जैसे चाहे वैसे यूटिलाइज कर सकते हैं फ्यूचर एक्सपेंशन में, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। एंड नाउ लेट मी टेक यू एंड शो यू द आउटसाइड एरिया ऑफ दिस विला। इधर से इस विला की एंट्री है, वहाँ से आएगा इस रोड से विला की एंट्री हो जाती है, एंड ये इस विला की एंट्री आ जाती है। वो रोड से एंट्री है इस प्रॉपर्टी के लिए, एंड यहाँ से विला की एंट्री है, एंड ये है पूरा बाहर की तरफ एक बढ़िया सा ओपन सेट आउट एरिया। यहाँ से आप बोन फायर कर सकते हैं, लगभग 20 से 25, मैं कह रहा हूँ 40 बंदे तक यहाँ पे बैठ के अपना बोन फायर पार्टी कर सकते हैं। एंड ये भी आप देख सकते हैं प्रॉपर सेट आउट एरिया है, टेबल्स रखी हुई हैं। यहाँ पे प्रॉपर सेट आउट एरिया बनाया गया है, जिसको अभी कवर कर दिया गया है। एंड पूरा का पूरा मैं आपको दिखाता हूँ, इसके साथ एक
क्यूट सा प्यारा सा गार्डन भी मिलता है। प्रॉपर्टी के एंट्रेंस एक यहाँ से भी मिल जाती है आपको, यहाँ से भी आप प्रॉपर्टी में एंटर कर सकते हैं ग्राउंड फ्लोर के लिए। ये है इस प्रॉपर्टी के साथ आपको मिलने वाला गार्डन। दिस इज द गार्डन स्पेस दैट एक्सक्लूसिवली बिलोंग टू दिस प्रॉपर्टी। इसमें आप देख सकते हैं ये सारे फ्लावर्स यहाँ पे लगा रखे हैं, गार्डनिंग कर रखी है बहुत अच्छी। ये पीछे वर्टिकल प्लांटेशन की गई है, तो बहुत अच्छे से इस एरिया को मेंटेन किया गया है। यहाँ पे आप बहुत अच्छी एक्टिविटी इंजॉय कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रॉपर्टी गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई होगी, आपको कसौली का ये मज़ेदार विला पसंद आया होगा। इफ़ यू गाइस इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस प्रॉपर्टी, हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, हमारा नंबर स्क्रीन पर भी पॉपअप कर रहा होगा। डोंट मिस दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, वक्त ज़ाया ना करते हुए कॉल कीजिए, डिटेल्स लीजिए, विजिट प्लान कीजिए और इस विला को, इस खूबसूरत विला को, इस लग्जीरियस विला को अपने सपनों का घर बनाइए। या फिर मैं एक और मज़ेदार बात बताऊँ आपको, आप इसको अगर अपने लिए नहीं लेते हो, आप इसको ऐसा हॉलीडे होम लेते हो, तो आप इसको ऐसा हॉलीडे होम लीजिए। जब तक आप यूज़ करते हैं आप यूज़ कीजिए, अदर टाइम इसको आप BnB पे रेंट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक दिन का इस विला का 70,000 रुपये का आपको रेंट मिल जाता है। यानी कि अगर आप सिर्फ वीकेंड्स पे इसको रेंट आउट करते हो, वीकेंड्स एक महीने में लगभग 8 से 10 दिन मान लेते हैं, हम 10 दिन की बात करें तो 7 लाख रुपये हो जाते हैं, और हम महीने की बात करें तो 84 लाख रुपये हो जाते हैं। 84 लाख रुपये अगर हम कहते हैं साल के 84 लाख रुपये, मतलब आप 6 से 7 साल में इस प्रॉपर्टी की पूरी वैल्यू रिकवर कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करते हुए। द आस्किंग प्राइस फॉर दिस प्रॉपर्टी इज 7 करोड़ रुपीज़। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। देर इज़ अलॉट मोर टू कम फ्रॉम कसौली जस्ट फॉर यू। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो गाइज़।